पानीदार बनाना, लोगों के बीच नदियों को कदर सिखाना, समझाना, प्रयास करना कि नदी आपके लिए है, जल आपके लिए, नदी बचेगा तो आप बचेंगे, जंगल बचेगा तो आप बचेंगे, जमीन बचेगी तो भी आप बचेंगे। जहाँ जल नहीं है, जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। तो जीवन के लिए जल और जंगल का होना बहुत जरूरी है। तो यही एक प्रयास है, 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ये चलेगा। 12 नवंबर को पभेड़ी खत्म होगा और साथ में 2 बजे से नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में देवभूमि एक गांव है, वहां आयोजन किया गया है, जिसमें पानी बाबा, मैग्सेसे अवार्डी जो है वो आ रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, उसके बाद रामजी बाबू आ रहे हैं। यहाँ के जो मकसूदपुर राज्य के राजा अजय सिंह आ रहे हैं, सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर राजीव भारद्वाज आ रहे हैं, हम सभी उसमें रहेंगे। और देश के तमाम नदी से जुड़े जो लोग हैं, जो नदी पर काम करते हैं, तालाब पर काम करते हैं, उन सबों का एक जमावड़ा है, एक मंथन होगा 2 बजे से 5 बजे तक नदियों पर। विषय आपको है ही नदी। उसके बाद रात्रि में कवियों का भी एक कवि सम्मेलन भी है। तो मेरा यही निवेदन है गया वासियों से, मगध के वासियों से, कि अपने आसपास साफ रखें, नदियों को साफ रखें। गंगा माँ तो है, लेकिन मगध वासियों के लिए जमुने माँ है, फल्गु माँ है, दर्धा है, ये सब हमारे लिए माँ है जो हमको भोजन देती है। एक खास बात आपको मैं बताऊँ, गंगा माँ जहाँ से चलती है, जहाँ तक जाती है, गंगा माँ ही कहलाती है। लेकिन फल्गु जहाँ से निकलती है, वहाँ निकलने के बाद एक चतरा से पूरब से निकलती है, दूसरे पश्चिम से निकलती है। पूरब से जो निकलती है उसको मानत बोलते हैं, और पश्चिम से जो निकलती है उसको अमानत बोलते हैं। मानत और अमानत।